तिलावत की हुई आयतें सूरह बनी इसराइल 15वां पारा आयत नंबर 41 से शुरू हो रहा है मजमून। यहां से सूरत का भी 5वां रुकू है और पारे का भी 5वां रुकू है। इससे पहले वो अहकामात बताए गए थे जो तौरात में मजमूई तौर पर थे और यहां पर वो नकल किए गए। उन अहकामात को दिल में उतारने के लिए ताकि उसके फायदे मालूम हों, यहां से खिताब है कि इस कुरान करीम में हमने मुख्तलिफ किस्म की मिसालें पेश की, मुख्तलिफ जाविये से उसको पेश किया है। कुरान करीम में इन तमाम मिसालों में जो बार बार तगय्युर है उसकी वजह क्या है? लियज़्ज़करू, ताकि लोग तज़क्कुर करने में आसानी महसूस करें। कहीं दिन और रात की मिसाल, कहीं बारिश की मिसाल, कहीं मुर्दा जमीन को जिंदा करने की मिसाल, कहीं मकड़ी और मच्छर की मिसाल। इन मिसालों को फेर फेर के बयान करने का मकसद क्या है? ताकि लोग तज़क्कुर करें, ध्यान करें, गौर और फिक्र करें। वलकद सर्रफना, सर्रफा स्वाद रे फे, जिसके माने आते हैं गर्दान करना, पलटना। तशरीफ के माने फेर देना। अल्लाह को खिताब करते हुए एक दुआ में नबी का इरशाद है, या मुसर्रिफल कुलूब, आए दिलों के उलटने पलटने वाले। तो मुसर्रिफ वहां इसमें फायदा इस्तेमाल हुआ। सर्राफा बाजार एक्सचेंज को बोलते हैं, रुपया लेके डॉलर देना, डॉलर लेके रियाल देना, रियाल लेके दूसरा देना। ये जो मार्केट है उसका नाम सर्राफा बाजार है, एक्सचेंज। तो तशरीफ के माने आते हैं एक ही चीज को फेर फेर के पेश करना, और वो चीज क्या है? तौहीद। तौहीद को समझाने के लिए मुख्तलिफ मिसालें देकर ताकि बंदे तज़क्कुर करें और उनके दिमाग में तौहीद बैठ जाए, एक अल्लाह की अजमत आ जाए, बाकी सब मखलूक उसके सामने महसूस हो जाए। यह है तसर्रुफ का मकसद। वलकद सर्रफना, वलकद सर्रफना फी हादल कुरान लियज़्ज़करू, और हमने इस कुरान करीम में तरह तरह से मिसालें दी हैं, लियज़्ज़करू, ताकि लोग तज़क्कुर करें, ताकि लोग ध्यान दें। वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफूरा, लेकिन जिसके दिलों में खराबी आ गई है वो इनमें तज़क्कुर करने के बजाय उनको नुफूर पैदा होता है। नुफूर माने बिदक कर भागना। नुफूर नफर के माने आदमी के आते हैं और नफीर के माने इज़्ने आम के आते हैं। तो नुफूरा के माने बिदक करके भागने के आते हैं। उमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफूरा, ये तौहीद से उनको सिवाय नफरत के और कुछ भी पैदा नहीं होता, बस नुफूर 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 बिदकना। इनके दिल में कुर्बत के बजाय नफरत क्यों आ रही है? बजाय दिल में उतर जाने के बिदकने की कैफियत क्यों पैदा हो रही है? उमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफूरा, उनको इस तौहीद से नफरत ही बढ़ती जा रही है। मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। पीछे गुजर चुकी है आयत, जब कोई आयत नाजिल होती तो ईमान वालों के ईमान में इजाफा होता, और जिसमें ईमान नहीं है निफाक है, उनके निफाक में इजाफा होता। वैदा माहूम सूरत नजर आबाज उमीराबाज हरियाणा को मैं नहा दिन तुम मन सरफ सरफ अल्लाह हो कुलूब हूं। नजर बचाकर हुजूर की महफिल से निकल गए कि हमें कोई देख नहीं रहा है, अल्लाह ने उनको सरफ नजर कर दिया। सबसे ज्यादा अहम चीज ये जानने की है कि जो चीज पहले से दिल में है, अगर वो अजमत है तो अजमत में इजाफा होगा, पहले से कुदूरत है कुदूरत में इजाफा होगा। खुद कुरान करीम की आयतों में बात मौजूद है।
وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا, پہلے سے مرض ہے تو مرض میں اضافہ ہوا, اور اگر پہلے سے ایمان ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا. اب وہ ایمان کا نقطہ یا آغاز کہاں سے پیدا ہو, اور یہ نفرت کو ختم کرنے کا طریقہ کار کیا ہو؟ اللہ فرماتے ہیں غور و فکر کرو, دھیان دو, سوچو, پہلے سے دماغ میں ایک بات طے مت کر لو, کھلا ذہن رکھو. ہمارے پاس بہت سے انسان ہیں جو کھلا ذہن نہیں رکھتے, پہلے سے ایک بات طے کر لیتے ہیں کہ یہی ہے, اسے کھلا ذہن نہیں کہتے. کھلا ذہن کا مطلب یہ ہے کہ اگر حق ہمارے سامنے آتا ہے اور ہماری عقل اس کو تسلیم کرتی ہے تو ہم کو حق قبول کرنا چاہیے. اب اگر توحید کے خلاف, فرض کرو ایک خدا, ایک ہی معبود, ایک ہی مسجود, ایک ہی رزاق, تو اس کو ہم کہیں گے توحید. توحید مانے ایک کو ماننا, لا الہ الا اللہ, یہ توحید ہے. اور ایک سے زائد کو ماننا یہ توحید کے خلاف ہے. دو خدا ماننا شروع ہوتا, ایک نہیں ہے تو دو ہوں گے, دو نہیں تو تین, تین نہیں تو چار, ایک ہے تو توحید. ایک سے زائد مانتے گئے تو تسلیس میں چلی گئی بات, توحید سے ختم ہو گئی. تو قرآن نے ہم شروع کیا ہے, فرض کرو تمہارے حساب سے اگر ایک خدا نہیں ہے, دو ہیں تو کیا ہوتا, اور تین ہیں تو کیا ہوتا, اور چار ہیں تو کیا ہوتا. یہاں سے آگے فگر خود دیکھ لو, ایک اگر ہیں تو توحید, ایک معبود, ایک مسجود, ایک رزاق, ایک خالق اگر تو توحید ہے. اور ایک سے زائد جہاں مانیں گے وہاں اب توحید ختم ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے. جہاں جہاں لفظ قل آیا ہے یہ اللہ نے نبی کو خطاب کیا ہے کہ آپ اگلا ٹکڑا میری طرف سے کہہ دیجئے امت کو. تو اگلا ٹکڑا گویا اللہ کا حکم ہے جو نبی کے توسل سے بندوں تک پہنچے گا. بعض لوگوں کو یہاں بھی غلط فہمی ہو رہی ہے, ایک صاحب تو عجیب و غریب غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں. قل کہہ کر اللہ نے کہا یا عبادی, قل یا عبادی, کہہ دو اے میرے بندو. تو ترجمہ کرتے ہیں اللہ نے نبی سے قل کہہ کر کہا کہ کہہ دو کہ اے میرے بندو, یعنی اللہ کے بندو نہیں نبی کے بندو. ترجمہ ہو رہا ہے, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. پورے قرآن کریم کے اصول اور زاویے سے یہ بات ٹکراتی ہے کہ اللہ نبی سے کہیں کہ تم کہہ دو اے میرے بندو, یعنی میرے بندو سے مطلب نبی کے بندو. قرآن سے ٹکراتا ہوا مضمون ہے یہ, ایسا کہا جا رہا ہے. سورہ زمر کی آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا میں یہی ترجمہ کیا ہے بعض لوگوں نے, ہماری عادت نہیں ہے اس کو کھولنے کی. آپ کے ذہن میں رکھ لو کہ ایسا ترجمہ بھی کیا جا رہا ہے. یہ ترجمہ کیوں غلط ہے؟ عربی کے لحاظ سے لفظ قل کے معنی آتے ہیں کہہ دیجئے, تو جس نے حکم دیا ہے کہنے کا اگلا ٹکڑا اس کی بات ہے جو نقل کرنے کے واسطے دیا گیا ہے. آپ ان سے یہ میری بات کہہ دیجئے. اسپیچ دینے والا جب کوئی پیغام دیتا ہے تو وہ کہتا ہے ان سے ایسا کہہ دینا, اس کا مطلب نہیں ہے کہ تم اس کے مخاطب بنا دو. یہ تو مفہوم کے لحاظ سے ہے, اور آیت کے لحاظ سے پیچھے آیت ہو چکی ہے. کسی نبی کو مناسب نہیں ما کان لنبی, ما کان لنبی, کسی نبی کو یہ بات مناسب نہیں کہ ہم نے اس کو نبوت دی ہے, ہم نے اس کو حکم دیا ہے, اور وہ بندوں سے کہتا پھرے کونو عباد لی, کونو عباد لی, ہو جاؤ میرے بندے. یہ مناسب ہی نہیں کسی نبی کے لیے. یہ اللہ نے سورہ آل عمران میں واضح کر دیا, کسی نبی کو یہ بات مناسب نہیں ہے کہ جس کو میں نے نبی بنایا, علم دیا, کتاب دیا, حکمت دیا, اور وہ بندوں سے کہہ دے کہ میرے بندے ہو جاؤ. تو یہ قرآن کی صریح آیت ہے, اس سے یہ مضمون ٹکراتا ہے. لہذا کہیں بھی ترجمہ کرتے وقت کا خیال کرنا کہ قل کے بعد جو مضمون آتا ہے یہ اللہ نے نبی سے کہلوایا ہے. قل آپ کہہ دیجئے,
सारे बंदों से ये मेरा पैगाम आप पहुंचाइए। क्या है वो? लौ काना माहु आलिहतुन कमा यकूलून, ये तो कहते हैं लोग। लौ लौ सपोज बफर्ज मुहाल, अगर काना माहु आलिहतुन, अगर होते उसके साथ कई माबूद। आलिहतुन जमा है इलाह की, और काना के माने है और थे या होते, या काना का तर्जुमा है गुंजाइश इसके अंदर। काना माजी भी आता, काना तामा आता, काना नाकिसा आता, काना है के माने में आता। ये मौके की लिहाज से ये कॉमन नाउन है, ये मुश्तरक है। लौ काना माहु आलिहतुन, अगर होते उसके साथ कई माबूद, कमा यकूलून जैसा कि लोग समझ रहे हैं और कह रहे हैं। कोई कहता है ईसा भी अल्लाह के बेटे हैं, कोई तस्लीस का कायल है, तस्लीस ईसाइयों का अकीदा है, आज भी वो जमे हैं तस्लीस पर, उनके पास तौहीद नहीं है। इस उम्मत में सिवाय उम्मत मोहम्मदिया के कोई तौहीद पर कायम नहीं है, कोई तस्लीस पे है, कोई तकफीर पे है, कोई शिर्क में है, कोई कुफ्र में है, कोई कहता है तीन मिल के खुदा है, सब के सब तौहीद से हटे हुए, उम्मत मोहम्मदिया ही तौहीद पर कायम है। लौ काना माहु आलिहतुन, अगर होते अल्लाह के साथ, उसके साथ यानी अल्लाह के साथ माबूद कई, कमा यकूलून जैसा कि वो लोग कहते हैं, इजन तब तो, ये लौ का जवाब है। लौ जो हर्फ शर्त है उसका जवाब है इजन तब तो, यानी अगर कई माबूद होते उस एक के साथ जैसा कि लोग कहते हैं, तब क्या होता? लब तगौ इला दिल अर्शी सबीला, तो अलबत्ता वो तलाश कर लेते अर्श वाले की तरफ कोई रास्ता, ढूंढ निकालते चढ़ जाने का तख्त पे, कुर्सी छीन लेते। ये है ऐसा तर्जमा, लब तगौ इब्तगा उन, तलाश करना, ढूंढ निकालना। क्या ढूंढ निकालते? सबीलन उसका मफूल है, रास्ता ढूंढ निकालते। किस तरफ? इला दिल अर्श, अर्श की तरफ। अर्श कहाँ है? ये सातों आसमान से ऊपर अर्श है, उस अर्श पर कुर्सी है, वो कुर्सी से इशारा है अल्लाह के मुस्तवी होने की तरफ। अल्लाह फरमाते हैं अगर एक ही माबूद न होते बल्कि दो होते या दो से ज्यादा होते, तो कोई न कोई रास्ता अर्श पे चढ़ जाने का ढूंढ निकालते, और अर्श पर हम अकेले मुस्तवी न होते। क्या इशारा है? कुर्सी खाली क्यों रहती? छीन लेते, चढ़ जाते। इस आयत पर कुरान करीम की बहुत सी आयतें आपको मिलेंगी। लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, ये भी इसी आयत की ताईद में है। अगर जमीन और आसमान में दो खुदा होते या कई खुदा होते, लफसदता, तो जमीन और आसमान फासिक हो जाते, यानी ये निजाम शमसी और कमरी तबाह हो जाता। एक बोलता आज बारिश का फैसला है, एक बोलता आज धूप का फैसला है, एक बोलता इनको मारने का फैसला है, एक बोलता इनको जिलाने का फैसला है। अगर दो खुदा होते संसार में तो दोनों बला होते संसार में। उधर एक कहता कि मेरी सुनो, उधर एक कहता मियां चुप रहो। ये लंबी नजम है, एक लंबी नजम। बताना यह है कि एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती। इस बादशाहत पर दूसरा कोई नहीं है, सातों जमीन और सातों आसमान सब अल्लाह की मिल्कियत है। इसलिए दो खुदा का तसव्वुर नहीं, जब दो का तसव्वुर नहीं तो तीन का तसव्वुर कहां से आया? इसी वास्ते तस्लीस को अल्लाह ने कुफ्र कहा। लकद कफर अल्लज़ीना कालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, इन्नल्लाह सालिसु सलासा, जिन्होंने कहा अल्लाह को तीन में का तीसरा, उन्होंने कुफ्र किया। तो दो खुदा भी तसव्वुर कुफ्र है, और तीन खुदा तसव्वुर भी कुफ्र है, और खुदा के सिफात गैर खुदा में मानना यह भी कुफ्र है, और गैरों की कमजोरियां खुदा में तसव्वुर करना यह भी कुफ्र है। न दो खुदा हैं, न किसी गैर खुदा में खुदा के सिफात हैं, ना गैरों की कमजोरियां खुदा के सिफात में आ सकती हैं।
खुदा अपने जात और सिफात में यकता और बेमिसल है, वो तमाम उजूब से मुनज्जा है, तमाम खूबियों का मालिक है, वो खालिक है, बाकी सब मखलूक है। खालिक होने में दूसरा कोई शरीक नहीं, सब उसके बराबर कैसे हो सकते हैं जब मखलूक है, वो एक ही माबूद है, बाकी सब आबिद है। इस तरह से अल्लाह ने तौहीद को पेश किया, इसलिए आगे फरमाया सुबहाना सुबहाना, पाक है वो जात। किस चीज से पाक है? तमाम उयूब से पाक है। सुबहाना व तआला, और बुलंद बरतर है। अम्मा यकूलून, जो कुछ वो लोग कह रहे हैं अल्लाह के बारे में, उलूवन बहुत बुलंद, कबीरन बहुत बड़ा, उसकी बुलंदी बहुत ज्यादा, जितना लोग अल्लाह के बारे में कहते हैं उससे बहुत बुलंद है। यानी सही तो यह है कि अल्लाह की बुलंदी को कोई बयान नहीं कर सकता। जितना भी लोग अल्लाह के सिफात को बयान करते हैं, अल्लाह ताला इससे पाक हैं और बहुत ज्यादा बरतर हैं, बहुत ज्यादा बुलंद हैं। खुद नबी पाक की एक दुआ से इशारा करता हूं मैं आपको। आपने खुद कहा, ऐ अल्लाह हम आपकी तारीफ ऐसी नहीं कर सकते जैसे आप हकदार हैं। आपकी तारीफ और आपकी सना हम ऐसी नहीं कर सकते जिसके आप लायक हैं। आपने अपनी तारीफ खुद की है, आप उसी के लायक। नबी की दुआ शाहिद है इस बात की तरफ कि यहां हर एक ने आकर के सिपर डाल दिया है कि अल्लाह का जैसा हक है वैसी अल्लाह की सना दूसरा कोई नहीं कर सकता है। انت كما اثنيت على نفسي اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا نبي کی دعا ہے اللهم لا احصي ثناء عليك اے اللہ میں آپ کی ثنا کو شمار نہیں کر سکتا آپ کی تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا آپ کا جیسا حق ہے ویسی کامل جامع تعریف نہیں کر سکتا انت كما اثنيت على نفسك आप ऐसे हैं जैसे अपनी तारीफ आपने खुद बयान की है। अब बताइए मुझे, रिसालत के जब अल्फाज सामने आ गए तो कौन कह सकता है कि हमने हक अदा कर दिया? इसी वास्ते अल्लाह ने खुद कहा है वमा कदरुल्लाह हक कदर ही, वमा कदरुल्लाह हक कदर ही, जैसा अल्लाह का हक है वैसा लोगों ने अल्लाह का हक अदा नहीं किया, उसकी कदर नहीं किया, ना कदर ही किया। والسماوات مطويات بيمينه सातों आसमान लिपटा हुआ होगा मेरे दाहिने हाथ में झंडे की तरह। सातों आसमान को अल्लाह ताला ने अपने हाथों में लपेटने का इशारा दिया है, फिर भी लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की। सातों आसमान की क्या हैसियत है? والسماوات مطويات بيمينه, एक आसमान नहीं सात आसमान है और हर दो आसमान के बीच में 500 बरस का फासला है। ये सातों आसमान, उस पर अर्श है, उस पर कुर्सी है, उस पर ये लोग चढ़ दौड़ते हैं अब तक, जितने सजदागाहें बनी हुई हैं। यानी ये तमाम सजदागाहें बातिल, तमाम माबूदान झूठे, वरना अगर हकीकत में इनमें कुदरत होती तो मेरे अर्श पे चढ़ दौड़ते। इसलिए जो कुछ लोग बयान करते हैं अल्लाह अपने जात और सिफात में सबसे मुनज्जा। तुसब्बिहु लहु समावातु सब्उ वल अर्ज़ु मन फीहिन, तस्बीह बयान करते हैं उसके लिए सातों आसमान, तस्बीह सातों आसमान, जहां दुनिया में जितने माबूदान बातिला हैं इनकी रसाई नहीं है, वहां से तस्बीह होती है अल्लाह की। सूरज चांद आसमान दुनिया में जो आरास्ता है, ये हर आसमान में है, ये सब अल्लाह की तस्बीह में लगे हुए हैं। एक आसमान तस्बीह नहीं करता, सातों आसमान। तो सब बेहू तस्बीह बयान करते हैं लहू उसी की। कौन? असमावातु, सात आसमान कहां से आया? असबू का तर्जुमा है सात, सात आसमान, सातों आसमान तस्बीह बयान करते हैं। वल अर्ज, और सातों जमीनें, अल अर्ज़ु के साथ सात का लफ्ज़ नहीं है। लोग समझते हैं कि जब यहां नहीं है तो नफी कर दो, सात जमीन है ही नहीं बोल दो, ऐसा नहीं है।
एक ही मकाम पर हर चीज नहीं मिलती, एक ही आयत में सारे मसले नहीं मिल जाते। अल अर्जू भी सात ही हैं, सात तबक हैं। अबवाबुल मजालिम में इमाम बुखारी ने एक रिवायत नकल की है, मैं सुना चुका हूं कि जो किसी की जमीन जुल्मन गसब कर लेगा, जमीन के सात तबक उसके गले में डाल दिया जाएगा। तो जमीन के सात तबक हैं तो डाल दिए जाएंगे गले में। सूरह तलाक पारा 28 में अल्लाह ने खुद कहा, वो मिनल अर्ज मिसलहुन, जिस तरह आसमान साथ हैं जमीन भी उन्हीं की तरह साथ हैं। सूरह तलाक पारा 28। तो हदीस में भी आया, आयत में भी आया। अब सवाल यह है कि जैसे सबा का लफ्ज आया है आसमान के साथ, सबा समावात या असमावात सबो यहां मुकदम आया, ऐसे ही वल अर्ज के साथ अर्जीन आता या सात का सबा का लफ्ज आता, फसाहत के खिलाफ है। कुरान पूरा फसीह अरबी है, ऐसी अरबी नहीं है जो चलती फिरती बाजारों की है, चैलेंजिंग अरबी है। और अल्लाह ने इसी वास्ते चैलेंज किया है कि तुम तीन आयतें बना कर ले आओ, एक अल्लाह को छोड़ दो, बाकी सबको मिला लो। सातों जमीन में जितने मखलूकात हैं, कुल इन इज्तमातिल इंस वल जिन, सारे इंसान सारे जिन्नात मिलकर के जमा कर लो, तीन आयतें बना कर ले आओ, एक अल्लाह को छोड़ दो। नहीं ला सके आज तक, क्यों नहीं ला सके? अरबी तो बोलने वाले बहुत हैं, आज भी हैं, यहूदी उस वक्त भी अरबी के माहिर थे, मगर तीन आयतें नहीं बना सके। इन्ना आते ना कल कौसर का जवाब नहीं आ सके। क्यों? इसकी फसाहत का तकाजा यही है, यह फन है खिताबत का। तो अरबी जबान में अल अर्ज की जमा लाना गैर फसी है, इसी वास्ते रब करीम गैर फसी को नहीं लाए। अल अर्जी नहीं आता। और तीसरी वजह लिखा है अल अर्ज के बारे में कि लफ्ज अल अर्ज इसमें जिन्स है, इसमें जिन्स की वाहिद जमा नहीं आती। जैसे बाल उर्दू में इस्तेमाल करते हैं आप, बाल की जमा आती, इसमें जिन्स है। ये एक बाल है तब भी बाल, और पूरा सर निकाल कर रख दिया, हलक करा दिया तब भी बाल, बाला गलत है, अरबी नहीं है। तो बाल इसमें जिन्स है, ऐसे ही अल अर्ज इसमें जिन्स है, सात तबक भी शामिल है, एक भी उसमें शामिल है। अल अर्ज में जो अलिफ लाम है ये इस्तिग़राक का है, इसलिए सात का लफ्ज न आने से नफी नहीं करना। एक साहब तफसीर लिखे हैं, उन्होंने सात की नफी कर दी है, उनको पता नहीं कहां से आ गया कि वो सारी रिवायतें ध्यान से निकल गई जो बुखारी में अबवाबुल मजालिम में मौजूद है। जमीन का सात तबक तो खुद बुखारी के अंदर मौजूद है। तो अल्लाह ताला की तस्बीह में लगे हुए हैं सातों जमीन सातों आसमान। वमन फीहिन, और जितने लोग जमीन में हैं, जितने लोग इनमें हैं। वमन इंसानों के वास्ते मन आता, और गैर इंसान के वास्ते मा आता। तो लफ्ज मा पहले आ चुका किसमें, जमीन और आसमान की जितनी मखलूकात हैं वो सब तस्बीह कर दी हैं, वो आ गया। अब बचे मन यानी इंसान, उन इंसानों को शामिल किया, फरमाया वो मन फी हिन, और जितने इंसान जी हयात जी अकल इसमें रहते हैं वो भी तस्बीह बयान करते हैं। कुछ मखलूक हैं इंसानों में से जो अल्लाह की तस्बीह नहीं करते, जिनको हम काफिर कहते हैं, मुशरिक कहते हैं, ये तस्बीह नहीं करते अल्लाह की। लेकिन जमीन और आसमान के दरमियान कोई मखलूक नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह नहीं करती सिवाय इन इंसानों के। गाय बैल भैंस जिनको हम समझते हैं कि ये गैर शौरी तौर पर हैं, इनमें शौर नहीं है, ये भी तस्बीह करते हैं। दरख्त तस्बीह करते हैं, दरख्तों की डालियां हवाओं से चलती हैं, तस्बीह बयान किया अल्लाह ने। तो हर चीज तस्बीह बयान करती है। वह इम मिन शेइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, अल्लाह ने चैलेंज कर दिया, वह इम मिन शेइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, और नहीं है कोई चीज ऐसी इल्ला मगर युसब्बिहु बिहम्दिही, हम्द बयान करती है अल्लाह के तस्बीह की, अल्लाह के हम्द की तस्बीह में लगी है, ऐसी कोई शय बता दो जो नहीं लगी है। फिर
हमको और तुमको सुनाई क्यों नहीं देता। फरमाया वलाकिन लेकिन ला तफकहूना तस्बीहहुम, उनकी तस्बीह को तुम समझ नहीं पाते हो। जमीन तस्बीह करती है, परिंदे तस्बीह करते हैं, परिंदों का जिक्र खुद अल्लाह ने किया, वतैरा महसूरा, परिंदे जमा हो जाते थे हजरत दाऊद के सरों पर और दाऊद के साथ जिक्र बिलजहर करते थे, पहाड़ जमा हो जाते थे, पहाड़ भी अपनी आवाज मिलाते थे, वतैरा महसूरा, या जिबाल अब भी माहू वतैर वो अलन्ना लहुल हदीद, अल्लाह ने खुद कह दिया है पहाड़ों की तस्वीर साबित। पहाड़ को हम ठोस समझते हैं, इसमें बोलने की ताकत नहीं, पहाड़ तस्वीर में, परिंदे तस्वीर में, दरख्त तस्वीर में, जब सब तस्वीर में लगे हुए हैं, अल्लाह ने वाजे कर दिया। एक मरतबा तो ऐसा हुआ, यह वाकया आप जानते हैं मगर मैं यहां लाता हूं क्यों, उसको सोचिए आप। अबू जहल ने मुट्ठी में कंकर ही लिया, कंकर, और कहा अय मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बता दीजिए मेरे हाथ में क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं बता दूं तुम्हारे हाथ में क्या है, या तुम्हारे हाथ में जो है वो बता दे कि मैं कौन हूं। पलटा दिया रुख को, और इतना कहते ही तस्बीह ने कंकरी ने तस्बीह शुरू कर दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कंकरी से आवाज आई। अल्लामा सुयूती लिखते हैं अल खसाइसुल कुबरा में, लोग समझते हैं कंकरी का तस्बीह करना यह मौजज़ा है, मगर यह सही नहीं है। तस्बीह तो हर तस्बीह करने वाला कर रहा है, मौजज़ा तो इसमें यह है कि जो आवाज सुनाई नहीं देती वो सुनाई देने लगी नबी के हाथ की वजह से। तस्बीह तो कंकरी करती है, यहां आयत साबित है, हर कंकरी तस्बीह करती है, हर कंकर में शंकर जो लोग ढूंढते हैं, इस लिहाज से अगर ढूंढते तो अच्छा होता, हर कंकर में शंकर, कैसा हर कंकर तो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है, कोई पत्थर नहीं खाली है जो तस्बीह बयान नहीं करता है। फर्क यहां क्या हुआ, उस कंकर को जब हुजूर ने मुखातब बनाया तो वो हम कलाम होना शुरू हो गया और उसकी आवाज ऊंची हो गई। ऊंची आवाज ये मौजूदा, तस्बीह मौजूदा नहीं है, तस्बीह तो है उसकी। ये फर्क किसने किया है, अल्लामा सुयूती ने किया है अल खसाइसुल कुबरा में, क्योंकि यहां अल्लाह ने फरमाया हर पत्थर तस्बीह कर रहा है, हर कंकर तस्बीह कर रहा है, डालियां तस्बीह करती हैं, शाखें तस्बीह करती हैं, हम सुन नहीं सकते, लेकिन जब हुजूर ने मुखातब बनाया तो हमने उनकी आवाज को सुन लिया। अब सोचो जिस कायनात में हम हैं, चप्पा चप्पा तस्बीह बयान करता है, हम उस चप्पे में सो रहे हैं गाफिल, और वो तस्बीह में लगा हुआ है, तो बाशऊर वो है कि हम हैं। ये बेशऊरी हमारे अंदर आ गई कि उसके अंदर आ गई। कहते हैं बैल बेशऊर है, घोड़ा बेशऊर है, बकरी बेशऊर है, ये सब तस्बीह कर रहे हैं, और इनके इस्तेमाल करने वाले अशरफुल मखलूकात का शरफ पाने वाले तस्बीह के बगैर जी रहे हैं। तो यहां से हमें यह सबक मिलता है कि तुमको हमने खिलाफत दी जमीन की, तुमको चाहिए था कि तुम तस्बीह में सबसे आगे होते, लेकिन देखो सबका हाल, ये सब तस्बीह कर रहे हैं। जब सब तस्बीह कर रहे हैं तो फिर कोई दूसरा माबूद बना कैसे, ये भी सवाल है, असल हल यहां से मसले का है। जब सब मिल करके उसकी तस्बीह कर रहे हैं तो सब में से कोई भी इस काबिल कैसे हो गया कि वो अल्लाह के मुकाबिल माबूद बन जाए, खालिक के मुकाबिल खालिक बन जाए, सजदागाह बन जाए, मुश्किल कुशा बन जाए, हाजत रवा बन जाए, कोई कैसे हो सकता है उसके मुकाबिल जब सब के सब मिलकर तस्बीह में लगे हैं। उसके सातों जमीन सातों आसमान उसके दरमियान के हर मखलूक अल्लाह की तस्बीह जब कर रही है तो वो उसके बराबर कैसे हो सकती है। इससे मालूम हुआ तौहीद साबित है, तस्लीस बातिल है, कोई सजदागाह जायज नहीं है। यहीं से मालूम हुआ कि सजदागाह है सब बातिल सिवाय एक सजदागाह के, और वो वही है जिसकी तस्बीह कर रही है कायनात। तो सब बेहुलहु समावात सब वल अर्द मन फीहिन व इन मिन शयइन इल्ला युसब्बिहु बिहमदिही वला किल्ला तस्हुन तस्बीहहुम इन्नहु काना हलीमन गफूरा। आयत नंबर 44 से याद रख लेना, यहां से तौहीद साबित
और हर सजदा का बातिल। अल्लाह के 99 सिफाती नाम हैं, उनमें से अल्लाह ने क्या इस्तेमाल किया यहां पर? हलीम, रमजानी हलीम नहीं जो हम खाते हैं, बल्कि ये हलीम बड़ी हां से है, हिल्म के माने में है, तहम्मुल। किस बात पर तहम्मुल है? कहते हैं भाई गुस्सा आया, जरा तहम्मुल करो। तहम्मुल यानी ये जुर्म इतना था कि जमीन और आसमान में जो गाफिल हैं ये तहस नहस कर दिए जाएं, लेकिन अल्लाह का हिल्म है जो इनको रोके हुए। इन्नहु काना हलीमन गफूरन, हलीम पहली सिफत है। और कुरान पाक में दो आयतें ऐसी मिलती हैं, एक सूरह नहल में और एक सूरह सबा में, कि अगर हम मखलूक की गलतियों पर पकड़ते तो जमीन पर चलने वाला एक नहीं बचता, सबको खत्म कर देते। वरो युआखिदुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, वरो युआखिदुल्लाहु अन्नास बिज़ुल्मिहिम मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बा। दो आयतें हैं दो मकाम पर। हमने इनको बाकी क्यों रखा? सिफत हलीम की वजह से। तहम्मुल है, हिल्म है। हमारा खाकर उनका गाते हैं, हमने पेशानी बनाई है कहीं और टिकाते हैं, लेकिन हमारा हिल्म है जो इनको हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह ने अपने तमाम सिफाती नामों में से सिफत हलीम को लगाया यहां। इन्नहु काना हलीमन, वो हिल्म वाला है। इससे अंदाजा करो कि तरावी में जब लोग कहीं पर हलीम की जगह पर शकूर पढ़ देते हैं तो कैसा गुस्सा आता होगा आपको? क्यों? जहां हलीम है वहां हलीम ही पढ़ना है। जितनी सिफतें अल्लाह की लाई जाती हैं वो सब किसी न किसी मुनासिबत से लाई जाती हैं। मगर क्या होता है, हुफाज इतना तेज पढ़ते हैं कि कहीं हलीम को करीम पढ़ देते हैं, कहीं अलीम को खबीर पढ़ देते हैं। अगर थोड़ा सा तगय्युर हुआ तो कोई हरज नहीं, लेकिन अगर माने बिगड़ गए तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। आजकल जो रिवाज है तेज पढ़ने का, उसकी बिना पर ही खराबी आ रही है। तेज पढ़ना नबी की सुन्नत नहीं है, सहाबी की सुन्नत नहीं है। कुरान को बगैर समझे पढ़ना किसी सहाबी की सुन्नत दिखा दो हमें। हर सहाबी ने कुरान समझ के पढ़ा, फिर हम किसकी अदा कर रहे हैं सुन्नत? ये बगैर समझे जो पढ़ रहे हैं किसकी सुन्नत है? हमें नाम चाहिए उसका। हम किसकी सुन्नत अदा कर रहे हैं बगैर समझे जो हम पढ़ रहे हैं? हर सहाबी ने कुरान समझ के पढ़ा, रसूलुल्लाह ने कुरान समझ के पढ़ा, अइम्मे अरबा ने कुरान समझ के पढ़ा। बगैर समझे पढ़ने से खराबियां हो रही हैं। ये मैं नहीं कहता हूं कि बगैर समझे मत पढ़ो, मैं चाहता हूं पढ़ो समझ के पढ़ो, तसहीह करके पढ़ो, ताकि ऐसी गलतियां ना आने पाए। अल्लाह ने सिफत हिल्म को जाहिर किया है, मेरे सामने खड़े होकर मेरे कलाम को तोड़ मोड़ के पढ़ रहा है हाफिज, मेरा हिल्म है, ये बर्दाश्त कर रहा हूं मैं इसको, ये भी अल्लाह का हिल्म है। ये बड़ा सख्त जुर्म है। अगर शायर को शेर सुनाया जाए बिगाड़ के तो उसकी रूह तड़पती है कब्र में। हाँ, इसे तो लोग कहते हैं माजरत करते हुए शेर पढ़ता हूं। शायर अगर कोई बात कहता है और खिलाफ शरीयत कहता है तो वो भी काबिल सजा है। अल्लाह ने सूरह शुआरा में रद किया है और कहा है अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीमून व अन्नहुम यकूलून मा ला यफ़अलून, क्या तुम देखते नहीं हो हर वादी भटकते हैं और ऐसी बात कहते हैं जो कर नहीं सकते। बेकल साहब ने कहा है हुजूर तशरीफ लाइए दम निकल जाएगा, क्या हुजूर का यही काम है कि आना और दम रोकना? कैसे हो सकता है ये? तो शुआरा का कलाम ऐसा ही रहता है, शुआरा का कलाम ऐसा ही रहता है, सिवाय उन शुआरा के जो शरीयत का लिहाज करते हुए, जैसे अब्दुल्लाह बिन रवाहा, हसन इब्ने साबित, इनकी तारीफ किया अल्लाह ने इल्लल्लज़ीन आमनू कहकर। तो जब तक कलाम में तौहीद न हो और जब तक कलाम में अपनी हुदूद न हो, ये तमाम जगहें हैं जो अल्लाह का हिल्म है जो बर्दाश्त करता है, वो हलीम है, वरना इन तमाम को सजा मिलती। सबसे पुरखतर मैदान है नाक कहने का। जरा कोताही हो गई गुस्ताख रसूल हो गया, जरा गुलू हो गया शिर्क में दाखिल हो गया, इससे ज्यादा मोहलिक मैदान नहीं है। ये सब अल्लाह की सिफत हिल्म है। इन्नहु काना हलीमन, बेशक अल्लाह ताला हलीम है, हलीम हिल्म वाले। इतनी गुस्ताखियां होती हैं अल्लाह की शान में। अल्लाह ने कहा यह पेशानी मेरी प्रॉपर्टी है,
तुमको मैंने अपनी जात के लिए बनाया है। इन दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा, तुमको बनाया आखिरत के लिए, तुम यहां लगे हुए हो दुनिया में। ऐसे मौके पर अल्लाह का लफ्ज हलीम इस्तेमाल करना इशारा करता है कि जलाल है, बस सिफत हिल्म की बुनियाद पर अभी एताब नहीं हो रहा है। इसलिए तौबा करने का मौसम है, तौबा कर लेना चाहिए। अल्लाह के जात और सिफात में किसी को शरीक नहीं करना, किसी भी मकाम पर पेशानी को नहीं टेकना, ये फरमाया अल्लाह ने। कोई माबूद नहीं, कोई सजदागाह नहीं, कोई इबादतगाह नहीं, कोई मुश्किल पेशा नहीं सिवाय अल्लाह की जात के, उसके बराबर तो कुजा सब उसकी तस्बीह में लगे हुए। इन्नहु काना हलीमन गफूरा, बेशक अल्लाह हिल्म वाला बड़ा हलीम है, गफूरन बहुत मगफिरत करने वाला है। मगफिरत गफरा के माने ढांप देना, मिटा देना नहीं, ढांप देना। तो गफरा से मगफिरत है, हमारे गुनाहों को अल्लाह ने ढांप दिया। अगर उसको खोद कर कुरेद कर सवाल किया जाए तो जनाब आयशा से हुजूर ने फरमाया कोई एक भी नहीं बचेगा, एक भी। मन नूकिशल हिसाब फकत उस दिबा, अगर किसी से हिसाब में जिरह की गई तो अजाब दिया जाना लाजिम। किसने कहा? हुजूर पाक ने कहा। किससे कहा? बीबी आयशा से कहा, या आयशा मन हो सिबा उस दिबा, जो हिसाब दिया गया अजाब दिया गया, बचा नहीं। फिर या अल्लाह क्या किया जाए? फरमाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से कहो अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, हमारे से जिरह नहीं करना, सिर्फ पेशी हो गुजर जाए, बस ये हिसाब यसीर है। जहां हिसाब यसीर है उससे मुराद जिरह नहीं है, पेशी गुजर जाओ बस, छेड़ो नहीं, वरना कोई अमल पेश करने के लायक नहीं मिलेगा, सब में रियाकारी है, सब में दिखावा है। इसलिए कहा दुआ कसरत से करो। बीबी आयशा फरमाती हैं, जब मैंने हुजूर से पूछा अगर शबे कदर पाऊं तो क्या दुआ करूं, कहो अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन तुहिब्बुल अफवा फाफ अन्नी, आप तो अफ़व हैं, माफ करने को पसंद करते हैं, बस माफ कर दो, कोई अमल जिरह के लायक नहीं। तो अल्लाह की सिफत हलीम और सिफत गफूर यहां पर इसी वास्ते लाई गई है कि बंदे बहुत शिर्क कर रहे हैं, लोगों के अकीदे खराब हैं। जितने लोगों के अकीदे दुरुस्त हैं वो कम हैं और जितने लोगों के अकीदे खराब हैं वो ज्यादा हैं। फिर भी मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, खिला रहा हूं, पिला रहा हूं, फिजाएं हवाएं सब दे रहा हूं। मुशरिक ज्यादा हैं, मोमिन कम, फासिक ज्यादा हैं, शाकिर कम। खुद अल्लाह ने कहा वकलील मिन इबादिय शकूर, कलील हैं, छोटे से मुख्तसर हैं। आप बाजार में जाओ तो भीड़ है, चलना नहीं आएगा, और मस्जिद में देखो तो बहुत खाल खाल चुनिंदा लोग, अल्लाह के चाहने वाले, कुरान की तलब में हाजिर। और ना ये तो मौसम न जाने दुनिया कमाने का बन गया, रमजान का मौसम दुनिया कमाने का मौसम नहीं है, वो तो अल्लाह की रहमत का मौसम है, और वो कुरान का जरिया है। रोजा रखकर कुरान करीम कसरत से पढ़ना नबी की सुन्नत है। हुजूर नबी होकर भी जिब्रील को सुनाते थे, हर साल जिब्रील को सुनाते थे और जिब्रील से सुनते थे। आज हम एक पर अमल कर रहे हैं, खाली सुनते हैं हम, सुनाते नहीं है। क्यों? गलती आए, गलती आ जाएगी, शर्म आ रही है। अरे शर्म ये तो वहां आएगी यहां फैसला होने वाला है, इसलिए अगर एक सूरत याद है तो वो भी सुनाओ, सही कर लो। दो याद है तो दो सुना लो, तीन है तो तीन सुना लो। पहले बंदों को सुनाकर सही कर लो, फिर दो रकात में अल्लाह को सुनाकर दुरुस्त कर लो। तहज्जुद में पढ़ लो, अवाबिन में पढ़ लो, इशराक में पढ़ लो, चाश में पढ़ लो, 20 रकात में नहीं पढ़ सकते तो दो रकात में पढ़ लो। जितना भी आपको याद है अल्लाह को सुनाना नबी की सुन्नत है। सिर्फ सुनना सुन्नत नहीं है, अल्लाह को सुनाना नबी की सुन्नत है। और आपस में दौर करना हुजूर की जिब्रील से, ये दौर करना सुन्नत है। हमने कहा ये सिर्फ काम हाफिज का है, खाली हाफिज करेंगे ये काम, सुनते सुनाते रहेंगे, हम लोग तो मजे में खाली खाते रहेंगे हलीम और हरीफ। हमारा काम क्या है? दही बड़े खाओ। ये भी अल्लाह का सिफत हलीम होना है जो हमको बर्दाश्त करता है। एक पूरा हिफ्ज कर ले, एक कुछ भी नहीं हिफ्ज करे, क्या मतलब है भाई? आप भी तो मुसलमान हैं, आप भी कलामुल्लाह पर मानने वाले हैं। एक ने पूरा हिफ्ज कर लिया, एक ने कुछ भी हिफ्ज नहीं किया। कुछ ना कुछ करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये कुछ लोग कर लेंगे फर्ज किफाया, ये फर्ज आयन है।
हर मोमिन को कुरान का मानना, कुरान का पढ़ना फर्ज रखा अल्लाह ने, ये फर्ज आयन है। इसलिए अल्लाह का हिल्म ये भी है, हमारी खताओं को अल्लाह माफ कर दे और आइंदा तौफीक दे दे कि जितना भी याद है हम सुनाएंगे अल्लाह को इंशाल्लाह। क्या हम सुनाएंगे भाई? उसके बाद तस्करा फरमाया अल्लाह ने, वइदा क़रअतल कुरान जअलना बैनका व बैनल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति हिजाबम मस्तूरा। क्या शान है रब करीम की। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप कुरान पढ़ते हैं, वइदा और जब क़रअता आप पढ़ते हैं, क्या कुरान, कुरान करीम के सिफाती नाम तो 99 हैं लेकिन असली नाम सिर्फ 6 हैं। कुरान भी नाम है, फुरकान भी नाम है, अल्लाह के तरफ से इसके जो नाम है तज़कीर और इसका जिक्र इसका नाम है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते तो क्यों पढ़ते? ताकि उनके दिल में उतर जाए और कुफ्र पिघल कर निकल जाए। लेकिन अल्लाह ताला जिन बंदों को हिदायत देना नहीं चाहते, जब नबी कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उनके दिलों के दरमियान ऐसा हिजाब डाल देते हैं कि नबी का पढ़ा हुआ कुरान दिल में नहीं उतरता। ये क्यों डालते हैं? क्योंकि ये आखिरत पर यकीन नहीं रखते। जब आखिरत पर यकीन नहीं तो नबी के कुरान पढ़ने की बरकत से महरूम। ये आयत है, इसका मतलब यह है कि हर एक को कुरान की तिलावत का फायदा नहीं होता। आखिरत पर यकीन अगर नहीं है तो फायदा नहीं होगा, अल्लाह ताला हायल हो जाते। दो मकाम पर मुझे याद आता है कि अल्लाह ताला बंदे के दिल के दरमियान हायल हो जाते हैं। एक जगह तो यह है, पहले यहां हल कर लीजिए, वइज़ा क़रअतल कुरान और जब आप कुरान पढ़ते हैं, जालना तो बना देते हैं हम बैना का आपके दरमियान, वो बैनल लदीना और उनके दरमियान, अल्लदीना ला युमिनून बिल आखिरा, जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते। क्या बना देते हैं हम? हिजाब। हिजाब के माने उर्दू में इस्तेमाल है तो हिजाब, हिजाब के माने आड़। वो हिजाब कैसा? नजर तो नहीं आता। फरमाया मस्तूरा। मस्तूर किसको बोलते? मस्तूरात उर्दू में इस्तेमाल है। मस्तूरात कहते हैं ख्वातीन को, सतर से बनाई मस्तूरात, छुपाने की चीज मस्तूरा, ऐसा हिजाब जो मस्तूर है, नजर नहीं आता। आपकी बात और आपका कुरान, आपके अल्फाज उसके दिल में नहीं उतरते क्योंकि वह आखिरत को नहीं मानता। सजा दिया अल्लाह ने। जो आखिरत को नहीं मानता उस बंदे के दिल में नबी के तिलावत के अल्फाज नहीं उतरते। तो आखिरत का नाम मानना एक जुर्म है, और एक जुर्म है सूरह अनफाल आयत नंबर 24 में अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लाह यहूल वअलमू अन्नल्लाह यहूल बैनल मरई व कल्बी। याद रखो कि अल्लाह ताला हायल हो जाते हैं आदमी के उसके कल्ब के दरमियान। वहां क्यों ऐसा फरमाया? जो नबी के आवाज पर पलट कर नहीं आते चले जा रहे हैं, नबी पुकार रहे हैं और चले जा रहे हैं, पलट कर नहीं देखते हैं, नबी के बात को रद्द करने की पादाश में अल्लाह उनके दिल में आड़ बन जाता, उनको भी तौफीक नहीं होती। यहां भी फरमाया कि उनका आखिरत पर यकीन नहीं है, इस वास्ते अल्लाह आपके और उनके दरमियान आड़ बन जाते। वहां लफ्ज क्या है? अन्नल्लाह यहूल, हायल होना। यहां क्या है? हिजाबे मस्तूर, ऐसा बारीक पर्दा जो नजर नहीं आता। तो नबी की मुखालफत करने से भी दिल में आड़ पैदा हो जाती, इसलिए आज आहद कर लो नबी की मुखालफत नहीं करोगे, ना जानबूझकर ना अनजाने में। कोशिश करो कि जब मालूम हो जाए कि नबी का हुक्म ये था तो अब दुनिया एक तरफ हो जाए, हमें नबी का हुक्म पूरा करना। क्या भाई करेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, उसमें जो ग्रेडिंग किया लोगों ने, यह फर्ज है, यह वाजिब है, यह मुस्तहब है, यह सुन्नत है, ये सिर्फ उसूल के लिहाज से फिकही तरतीब है। और ना जो नबी की जात पर बहसियत रसूलुल्लाह के ईमान लाता हो उसको तो नबी का हुक्म सर आंखों पर रखना चाहिए।
क्या नबी के हुक्म में तुम फर्क करोगे? कुछ हुक्म नबी का मानोगे जो मर्जी के मुताबिक है और कुछ हुक्म नबी का नहीं मानोगे जो मर्जी के मुताबिक नहीं है? नबी के अहकाम में फर्क करके तकसीम करके कुछ को मानना कुछ को ना मानना, ये हमको इख्तियार नहीं दिया अल्लाह ने, ये हमको इख्तियार नहीं दिया। हमें तो नबी का हर हुक्म मानना, हर हुक्म मानना। तो सूरह अनफाल की आयत में नबी की आवाज पर लब्बैक ना कहना दिल में हायल होने का सबब बना। आयत है, पढ़ लो, आयत नंबर 24 से खोलकर देख लो। वअलमु अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरई वकल्बी, और यहां फरमाया हिजाब मस्तूरा, हम हिजाब डाले, एक पर्दा हायल कर देते हैं। पर्दा भी कैसा, और वजाहत किया अल्लाह ने, वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्ना। अल्लाह ने दूसरी आयत में इसकी वजाहत कर दिया, वजअलना, और बना दिया हमने अला कुलूबिहिम उनके दिल पर अकिन्ना, अकिन्ना गिलाफ, किन्नुन के माने छुपा देना, कवरिंग कर देना, अकनान के माने वो शेड जिसके नीचे आदमी छुप जाए बारिश में और धूप में, उसको अकनान कहते हैं। सूरह नहल में आ चुका है अकनाना। तो अकिन्ना के माने गिलाफ, कवरिंग कर देना, हमने उनके दिल पे गिलाफ डाल दिया है। जब गिलाफ दिल पे आ सकता है तो वो गिलाफ आंख पे भी आ सकता है और वो गिलाफ कान पे भी आ सकता है। यही तो अल्लाह ने कहा, उनके दिल पर हम गिलाफ डाल देते हैं। आपको मालूम होगा हिजरत की शब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए और तलवार लिए लोग खड़े रहे, कौन सा गिलाफ था वो? उनकी आंखों पे गिलाफ डाल दिया अल्लाह ने। हुजूर जा रहे हैं और उनके सरों पर मट्टी डालते हुए गुजर गए। वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन, ये सद्दन क्या है? सद्दन क्या है? दीवार, काय की दीवार थी, ईंट की दीवार थी, नहीं, एक ऐसा हिजाब था कि हुजूर जा रहे हैं और दुश्मन खड़े हैं, उनको नजर नहीं आ रहा। एक सहाबी कहते हैं मुझे तीन आयतें मिलती हैं कुरान करीम में, एक तो यही आयत है और एक सूरह नहल में गुजर चुकी है, तब अल्लाह वाला कुलूबहिम, और तीसरी आयत सूरह जासिया पारा 25 में 23 नंबर की आयत है, अफराइता मन तखद इलाहा हुवा व अज़ल्लहु अल्लाह वला इल्म व खतमा अला समही व खतमा कलज, वहां भी तीन जगह है। ये तीनों आयतें जब पढ़ लेते हैं तो दुश्मन बेकाबू हो जाता, उसे नजर नहीं आता मैं किसको मारूं। ये तीन आयतें याद कर लेना। तब आ का लफ्ज मुहर लगा दिया। यहां भी अल्लाह फरमाते हैं कि हम उनके दिल पे ऐसा गिलाफ चढ़ा देते हैं, अकिन्ना, ऐसा गिलाफ, अन यफ़क़हु, कि वो बात को समझें। अगर वो गिलाफ ना होता तो दिल में बात जाती, वो गिलाफ आने से दिल में बात जाती नहीं। ये कौन चढ़ाया? अल्लाह ने। क्यों चढ़ाया? क्योंकि ये आखिरत को नहीं मानते। और क्या कहा के नहीं मानते, वो आगे वजाहत आ रही है। एक बार हम मिट्टी हो गए, हड्डियां हो गए, सड़ गए, मिट्टी खा गई, अब दोबारा हमें कौन खड़ा करेगा, ये सवाल करते। तुमको अब किसने खड़ा किया है? तुमको हकीर कतरे से अब किसने बनाया है? तुम्हें जमीन की गिजाओं से खून में तब्दील किसने किया है? उस खून को किसने अलका मुजगा बनाया है? जिसने ये सब किया वो भी करेगा। तो आखिरत नहीं मानते, उसकी पादाश में दिल पे हमने ये गिलाफ डाल दिया। वो इस कुरान करीम के मकसूद को समझने पर कादिर नहीं। वफी आज़ानिहिम वक्रा, और उनके कान में हमने ठेस डाल दिया। आज़ान उज़ुन की जमा है और उज़ुन के माने कान, आज़ान कानों में, वक्रन ठेठ, शीशी का ढक्कन अगर नहीं मिलता है तो उसके अंदर ठेठ डाल देते हैं। आजकल तो भुट्टा भी हो रहा है ना, भुट्टे को खा लेते हैं, उसके बाद जो डंडा बचता है उसमें लगा देते हैं, वो ठेठ बन जाता है, उसको वक्र कहते हैं। ये वक्र कहां है? इनके कानों में डाल दिया अल्लाह ने। जब कान में ठेठ ही डाल दिया है तो आवाज कहां से आएगी? लिहाजा कान भी कारामद नहीं, दिल भी कारामद नहीं। وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ،
और जब आप तस्करा करते हैं, आप चर्चा करते हैं किसका? रब का, आपके रब का चर्चा। वहदहु, तने तनहा, बिला मिलावट के, बिला किसी खल्त मल्त के, तने तनहा, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की अजमत का चर्चा होता है, तो ये क्या करते हैं? वल्लव अला अदबारहिम नुफूरा, पीठ के बल बिदक कर भाग जाते हैं। और जब अल्लाह के साथ मिलावट होती है गैरुल्लाह की, तो बड़े खुश होके तालियां बजाते हैं। ये अल्लाह ने खुद बयान कर दिया है, लफ्ज़े वहदहु पर तवज्जो चाहिए आपकी। वइज़ा ज़करता रब्बक फिल कुरान वहदहु, और जब आप चर्चा करते हैं अपने रब का कुरान में, तने तन्हा यानी सिर्फ अल्लाह का चर्चा, जैसे सूरह जिन में अल्लाह ने कहा वो अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तद्उ मअ अल्लाहि अहदा, मस्जिदें अल्लाह का घर है, यहां अल्लाह ही का चर्चा होना चाहिए, किसी को साथ मिलाओ मत। तो तन्हा जब अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह की शान की बात होती है, वल्लव पलटा लेते हैं, अला अदबारहिम पलट जाते हैं अपने पुश्त के बल, नुफूरा बिदकते हुए भागते हुए चले जाते हैं। ये किसकी शान है? जिसका आखिरत पर यकीन नहीं है, और अगर आखिरत पर ईमान है तो अल्लाह के चर्चे में उसकी आंखें बह जाती हैं, आंखों स्तर हो जाती हैं। अल्लाह फरमाते हैं नहनु आलमु बिमा यस्तमिउन बिही इज यस्तमिउन इलैक, हम खूब जानते हैं, नहनु आलम, आलम इसमें तफजील है, अलीम से आलम, अलीम माने बहुत जाना और आलम के माने सबसे ज्यादा जानना, अब इसके बाद कोई दर्जा डिग्री का नहीं। नहनु आलमु, हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं, बिमा यस्तमिउन बिही, ये लोग आपकी तरफ कान जो लगाते हैं, आपकी जो बात सुनते हैं, जब कभी सुनते हैं, हमेशा तो सुनते नहीं लेकिन कभी कभी सुनते हैं, तो जब कभी सुनते हैं तो क्यों सुनते हैं ये हम खूब जानते हैं। भला अल्लाह से ज्यादा कौन जानता है? उनके दिलों का हाल अल्लाह बयान करते हैं। नहनु आलमु बिमा यस्तमिउन बिही, हम खूब जानते हैं जब ये आपकी तरफ कान लगाते हैं, इद यस्तमिउन बिही इलैक, जब कभी ये सुनते हैं आपकी बात को, व इद हुम नजवा, और जब ये सरगोशियां करते हैं, व इद हुम नजवा, नजवा के माने सरगोशी, सरगोश, गोश कहते हैं कान को, और सर के माने सर, जब सर किसी के कान में रख के बात करते हैं तो उसको हम सरगोशी कहते हैं उर्दू में, काना फूसी, क्या करते हैं उसमें? देखो ये खाली अल्लाह की बात कर रहे हैं, खाली अल्लाह की बात कर रहे हैं, ये सरगोशियां होती हैं। अल्लाह फरमाते हैं हम उनकी सरगोशियों को भी जानते हैं, और एक जुमला कहते हैं वो लोग, इज यकूलु ज़ालिमून, जबकि जालिम लोग कहते हैं, इन तत्तबिउन इल्ला रजुलन मसहूरा, कि तुम नहीं इत्तबा करते हो मगर एक ऐसे मर्द की जो मसहूर है, सहर ज़दा है। मसहूर मफ़ऊल है, ऑब्जेक्ट है, इसका मादा है सीन हा रा, सिहर, सिहर के माने जादू, और मसहूर के माने जादू का असर जिस पे हो जाए, यानी सिहर ज़दा। तो ये जालिम लोग कहते थे, क्या कहते थे? तुम जो इत्तबा करते हो वो नबी नहीं है बल्कि सहरजदा है, तुम सहरजदा की इत्तबा कर रहे हो, यानी नबी का नबी होना सहर की वजह से इजहार नबूवत है, हकीकत में नबूवत नहीं है, ये कौन कहते हैं? जालिम लोग। इस आयत से अहले कुरान एक फिरका है उसको शक पैदा हो गया, उसने कहा जो कह दे कि नबी पर जादू हुआ है वो जालिम है, कहां से कहां लाके मिला दिया, एक आयत का मतलब कहां से कहां मिला दिया, जो ये कहे कि नबी पर जादू हुआ था वो जालिम है। देखो यहां लिखा हुआ है कि जालिम कहेंगे कि तुम इत्तवा करते हो सहरजदा आदमी की, यहां किस पैटर्न में है, किस सियाको समाज में है ये समझो। यहां रब्बे करीम ने कुफारे कुरैश की इस बात को वादे किया कि वो लोग नबी की नबूवत पर शक करते हैं और कहते हैं कि नबूवत का ऐलान सहर की वजह से है, किसी ने आप पर जादू कर दिया है, उस जादू की वजह से आपने नबूवत का ऐलान कर दिया है, तो तुम सहर ज्यादा आदमी की इत्तबा कर रहे हो, गोया दावा नबूवत में वो सच्चे नहीं है बल्कि उन पर सहर हुआ है, ये जालिम लोगों का अकीदा है।
अब दूसरा मसला कि नबी पर जादू हुआ कि नहीं हुआ, जिस्मानी तौर पर जादू हुआ नहीं हुआ, इसके लिए सूरह नास और फलक नाजिल हुई हैं, बुखारी की रिवायतें मौजूद हैं। और दावाए नबूवत में जिस तरह लोगों ने नबी को सहर ज़दा कहा है, इस माने में तो नबी को कज़्ज़ाब भी कहा है। सूरह स्वाद पारा 23 में अल्लाह ने कहा है, वकाल अल काफिरून हादा साहिरुन कज़्ज़ाब। जब सादिकुल अमीन को कज़्ज़ाब कहा, किस माने में कज़्ज़ाब कहा? ذاتی زندگی میں تو آپ صادق الامین تھے لیکن دعوی نبوت میں انہوں نے آپ کو صادق الامین نہیں مانا بلکہ کذاب کہا۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں دعوی نبوت میں کذاب کہا، بقیہ زندگی بھر میں آپ کو صادق الامین کہا۔ تو یہاں نبی کے سحر کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں نے نبی کی نبوت پر شک کیا اور یہ کہا کہ آپ کا نبوت کا اعلان کرنا سحر کی وجہ سے ہے، ان کی تعبیر کیا ہے یہاں پر اللہ نے، وہ آپ کی نبوت حقیقی ہے، سحر کا اثر نہیں ہے۔ اگر کوئی سحر کا اثر سمجھ کر نبی نہیں مانتا ہے تو وہ ظالم ہے، یہ مراد ہے یہاں پر۔ انظر کیف ضرب لک الامثال، دیکھو تو صحیح، انظر دیکھو تو صحیح، کیف ضرب لک الامثال، کیسے چسپا کرتے ہیں مثالیں آپ کے لیے، کہاں کی بات کہاں لا کے جوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں نبی ہوں تو کہتے ہیں تو نبوت سحر کا اثر ہے، میں اللہ کا کلام سناتا ہوں تو کہتے ہیں سحر کا اثر ہے، میں اللہ کا پیغام لایا ہوں تو کہتے ہیں سحر کا اثر ہے، جب لوگ نبی کی اتباع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم ایک سحر زدہ کی اتباع کر رہے ہو، کیسا چسپا کرتے ہیں مثالیں لوگ آپ کے واسطے۔ فضلو، پس گمراہ ہوتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، فلا يستطيعون سبيلا، پر طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ راستہ پانے کی، اتنا بھٹک گئے، اتنا بھٹک گئے، اتنا دور گمراہ چلے گئے کہ راستہ پانے کی سکت نہیں ہے، لا يستطيعون، استطاعت ہی نہیں ہے راستہ پانے کی۔ اب ان کا انکار سنو آخرت کا۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، ورفاتا، رفات کہتے ہیں بھربھری ہڈیاں، چورا چورا، ہڈی کو اٹھاؤ ہاتھ میں ایسا ملو، ملتے ہی چورا چورا ہو جاتی ہے، اس کو رفات کہتے ہیں۔ اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے، خلقاً جدیدہ، نئی تخلیق، خلقاً معنی تخلیق اور جدیدہ نئی۔ ان کو یقین نہیں آتا، ہڈیاں بورا بورا ہو گئیں تو ان کو پھر سے طاقتور ہڈیاں کیسے بنیں گی، وہاں سوچ رہے ہیں، ان ہڈیوں کو پہلی بار کس نے پیدا کیا وہ بھی سوچو، دماغ وہاں نہیں جا رہا، اس لیے انکار پیدا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں ہڈیاں تو کجا، ہڈیوں میں تو جان تھی ایک مرتبہ، تم اگر ہڈیوں سے آگے کچھ اور بن جاؤ جس میں کبھی جان نہیں تھی، مثلاً قل، کہا دو کونو حجارتن او حدیدا، پتھر بن جاؤ تم اور لوہا بن جاؤ تم، نہ پتھر میں کبھی حیات تھی اور نہ لوہے میں کبھی حیات تھی، تب بھی ہم حیات دینے پر قادر ہیں۔ وہ تو ہڈیاں ہیں جس میں حیات تھی، ہڈیوں میں تم ایک بار جان مان چکے ہو، اگر تم ہڈیوں سے اوپر کوئی چیز بننا چاہتے ہو، قل کونو حجارتن او حدیدا، کیا بن جاؤ، ہڈیاں بن جائیں تمہاری، پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ۔ اللہ نے یہاں بس نہیں کیا، او خلقم مما یکبر فی صدورکم، یا ایسی کوئی مخلوق بن جاؤ جو بہت بڑی لگتی ہو تمہارے دل میں، مما یکبر، تبیر، بڑی لگتی ہو، کہاں، فی صدورکم، تمہارے دل میں، لوہا کہاں کے دل نہیں بھرا، پتھر کہاں کے دل نہیں بھرا، تم کیا بنتے ہو اس سے آگے بن جاؤ، ہم اس کو بھی پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ جب تم یہ نبی کہو گے، فسیقولون، تو عنقریب وہ پلٹا کے پوچھیں گے، من یعیدنا، ہمیں کون ایسا دوبارہ بنائے گا، من یعیدنا کے معنی من یعیدونا، ہمیں دوبارہ کون بنائے گا۔ قل، آپ ان سے کہہ دو، الذی فطرکم اول مرہ، جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا وہ بنائے گا۔ جواب بہت صافی ہے، پہلی بار تم کو جس نے بنایا تھا۔
فَسَيُنْغِذُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ تو ان قریب منڈیاں مٹکائیں گے. رؤوس رأسم کی جمع ہے سر, الیکا آپ کی طرف, اور ينغذون مٹکانا. جب کسی کی بات نہیں مانتے ہیں, منڈیاں ہلاتے ہیں انکار کے انداز پہ, تو اس کو ينغذون کہا ہے اللہ نے. فَسَيُنْغِذُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ اب آپ کے آگے سر ہلا ہلا کر کہیں گے, اپنے سروں کو ہلاتے ہوئے کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ اور کہیں گے آخر یہ ہوگا کب؟ دادا مر گئے, پردادا مر گئے, آدم سے لے کے ایدم سب مر گئے, آخر یہ ہوگا کب؟ ہم تو سنتے آ رہے ہیں, زمانہ ہو گیا, 1400 برس گزر گئے سنتے سنتے, کب ہوگا یہ؟ قل کہہ دیجئے عسى ان یکون قریبا. عسى امید یہ ہے کہ ہوئے ایسا جلد ہی, قریب. آخرت کو اللہ نے قریب کہا ہے. ہم مسلمان دور سمجھتے ہیں, کیوں سمجھتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, یہ لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب سمجھتے ہیں. اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا, جن کا گمان تھا کہ اس کائنات میں ابھی ہم 20 سال رہیں گے, وہ 20 منٹ میں چلے گئے, 20 سیکنڈ میں چلے گئے, اب تو اندازہ ہوا نا قریب ہونے کا. یہ فرمایا اللہ نے, تم دنیا کی فکر کیوں کرتے ہو, اپنی فکر کرو, تمہارا وقت کتنا قریب ہے وہ دیکھو. کون ہے جو واقف ہے کہ میں ابھی ایک دن رہوں گا؟ کون ہے؟ کوئی اٹھایا ہاتھ جو چیلنج سے بول سکتا ہو کہ میں ابھی ایک دن ضرور رہوں گا؟ کوئی دنیا میں اس قابل نہیں ہے کہ اپنے آپ میں دعویٰ کر سکے. تو پھر قریب نہیں ہے, دور کیسے ہوا یہ؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من مات فقد قامت قیامت, ہو جو مرا اس کی قیامت شروع ہو گئی. ساری کائنات راضی ہو جائے اور وہ اللہ راضی نہ ہو تو جنت نہیں ملنے والی, اور ساری کائنات ناراض ہو وہ اللہ راضی ہو تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. سورہ یونس 107 نمبر کی آیت میں اللہ کا اعلان ہے. تو یہاں واضح ہے کہ تم جس کو سمجھتے ہو کہ بہت دور ہے وہ بہت قریب ہے. قل عسى ان یکون قریبا, سب آہیں بھریں گے مگر کچھ کر نہیں سکیں گے. اللہ فرماتے ہیں یوم یدعوکم, تم کہتے ہو کب آئے گی, ہم کہتے ہیں قریب آئے گی, لیکن جب کبھی آئے گی تو یہ حال سن لو. یوم یدعوکم, جس دن تم کو پکارا جائے گا, اللہ تم کو پکاریں گے حالت اضطرار میں, نکلو نکلو قبروں سے. حیرت سے کہے گا من بعثنا من مرقدنا ھذا, کس نے اٹھا دیا ہماری خوابگاہوں سے, یہاں ہم پڑے تھے. نکلو حکم ہو جائے گا. یوم یقوم الناس لرب العالمین, اس دن تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ تم اپنے جگہ پر ٹھہر جاؤ, بھاگے چلے آؤ گے, دوڑے چلے آؤ گے. مہتعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا. سورہ ابراہیم میں اللہ نے کہا ان کے سر اٹھے ہوئے ہوں گے, حال دیوانوں کا ہوگا, ان کے دل ہوا میں اڑ رہے ہوں گے, اپنی نگاہ پلٹنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم, نگاہ نہیں پلٹے گی, دل ہوا میں ہوں گے, بھاگے چلے آئیں گے. اور آج تسبیح نہیں کرتے, اس دن تسبیح پر مجبور ہوں گے. جملہ دیکھو آگے, یوم یدعوکم, جس دن تم کو پکاریں گے بالاضطرار, فتستجیبون بحمدہ, تم قبول کرو گے اس کی حمد کے ساتھ. بحمدہ کا مجبور ہو کے حالت اضطرار میں, جیسے آج درخت مجبور ہے وہ تسبیح کرنے پر مستر ہے, تسبیح ہی کرے گا, سب تسبیح کرتے ہوئے بھاگتے چلے آئیں گے. وَتَظُنُّونَ اور تم گمان کر لو گے, اِن لَبِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا کہ نہیں رہے تم دنیا میں مگر بہت تھوڑا. دنیا میں کتنے سال رہے؟ آج کہیں گے 70 سال سے ہوں بھائی, قیامت میں کہیں گے دنیا میں ہم ایک دن نہیں رہے, یا تو ایک شام تھے یا تو ایک صبح تھے, پورا دن بھی نہیں رہے, پورا دن نہیں رہے. جس کی عمر 700 سال کی ہوگی وہ بھی وہی کہے گا لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. سورہ النازعات میں اللہ نے کہا دنیا میں نہیں رہے مگر ایک صبح یا ایک شام, پورا دن نہیں تھے. لبثنا یوما او بعض یوم, تو یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی ہیچ ہے
कि यहाँ की सारी राहतें, सारी नेमतें और सारी हयात समेट कर एक सुबह और एक शाम के बराबर नहीं है। इसलिए दुनिया पर फरेबता मत हो, इसकी खातिर आखिरत तबाह मत करो, आखिरत में ही सब कुछ मिलने वाला है, इसकी फिक्र कर लो। यहाँ रुकू हमारा पूरा हो गया, आगे वही आयत आती है जिस पर हमने बात किया था, वकुल ले इबादी, फिर सूरह ज़ुमर की यहाँ भी आई है, इंशाल्लाह ये बहस आइंदा आएगी, दुआ कर लीजिए।